आग वगैरह भी आता है आपके घर साइड भी है? आपके घरों में आते हैं? एक बार आ गया था, मेरे पति को पकड़ लिया था। पति को पकड़ लिया था, पीछे से पंगा मार दिया था ना। अरे ऐसे बैठे थे ना, वो जाड़ों के दिन थे। हाँ, आग लगा रहे थे बगीचे में। जी आज की ड्राइव हो रही है इसके साथ। तो जी अब एलेक्सा को कुछ सुना दे गाने। अब देखो इसका रिएक्शन। हेलो, हेलो जी साथियों को, हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डिजोन में, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। तो अभी हम जिस जगह पे आ रखे हैं वो है काठगोदाम के आसपास का एरिया, और आज मैं अपने साथ एक स्पेशल किसी को लेके आया हूँ, उससे भी मिलेंगे। और ये बिष्टु जी की दुकान। आप बिष्टु जी, क्या हाल चाल? अब तो गर्मी का टाइम है यार, अभी यहाँ बढ़िया चल रहा होगा। क्या बन रहा है कुकर में? कुकर में दाल, चना। चने तो तैयार हो गए, कुकर में दाल बनेगी और चावल बन गए तैयार है रेडी। और यार हमने आपको एक वीडियो में बताया था, जब कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, एक डॉग इनके पास पहुंच गया था, तो वो अभी बच नहीं पाया है। हालांकि रीजन कुछ और है, तो बिष्ट जी से बात करते हैं और समझते हैं। भाग ले गया उसे, अभी पुलिस वाले भी आए तो देखो। और हमारे साथ आज 2:30 बजे एलेक्सा आई है। वहाँ सही हाँ, वो कलमट के नीचे मिली उसकी डेड बॉडी। ये दो अपनी। हेलो, तो जी अभी हमें मिले महेश जी, तो महेश ब्रिजवाल सर साथ में हमारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी बहुत पसंद करते हैं और वाइल्ड लाइफ ट्रैवल भी। तो सर का इंस्टाग्राम पेज भी है, आपका पेज का नाम? महेश ब्रिजवाल। सर को फॉलो कर दीजिए और बहुत जल्द सर के साथ हम ट्रिप भी करेंगे, क्यों? वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। तो बिष्ट जी के वहाँ हम खाएंगे अभी चने, अब बिष्ट जी से फिर जानते पूरा मुद्दा है जी। तो बिष्ट जी क्या हुआ यार उसका? किसका? कुत्ते का। हाँ, ये तो 2:30 बजे का टाइम था, ये मैंने यहाँ से खोला ना इसको, ये जंजीर से बना रहता है वो, ये तो 2:250 की जंजीर मंगवाई थी मैंने उसके लिए। हाँ, इससे बना रहता है, तीन के तीन बच्चे इसके अंदर रहते हैं। 250 की जंजीर भी मंगाई थी उसके लिए ना। हाँ, मैंने कहा चलो ये बच्चे होने में हर किसी की टांग पकड़ दे रहा, चलो उन लोग जो यहाँ से चलते समय पीछे से दौड़ लगा के उनके पैर पकड़ दे रहा, मैंने कहा इसको बाद नहीं रखो। कल जब मैंने वो मैंने कहा ये काऊ काऊ कर रहा है, तो इसको पिसा गया, टट्टी लग रही होगी। मैंने दिन के टाइम में 2:30 बजे के टाइम में खोल दिया उसे, फिर 2 मिनट बाद मैं भी गया, वो पीछे लैट्रिन कर रहा था, मैंने कहा फिर मैं इधर को आ गया, जैसे इधर को आया दिन में ही। हाँ, जैसे इधर को आया वो आया ही नहीं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, मैंने कहा ये कहाँ गया, फिर मैं ढूंढने गया उसे, फिर मैंने 1-2 दिनों को और भी बुलाया, उनको भी कहीं नहीं मिला। शाम को पता लगा कि उसको बाद में पकड़ के डांड कलमट के नीचे ले गया है, फिर किसी ने कहा मुझसे कि तेरे बगल में जो कलमेट है उसके नीचे ट्राई कर, मैंने सब जगह तो ढूंढ गया था, वहाँ जाती है जैसे रात को गए हम 8-9 बजे वहाँ पर, वो ये सामने वाला कलमेट है, वहाँ जाती जैसे अंदर को टॉर्च मारी तो कुत्ता वहाँ पड़ा खड़ा, मैंने बाघ में इसका कहा था, बाघ इसके कब कई दिनों से इसकी इसको फॉलो कर रहा था ना,
एक दिन तो यहीं पर आ गया शाम को सुबह के 4 बजे, वो यहाँ पर बैठी रह रही। अभी जब लास्ट टाइम में आई थी मतलब 20-25 दिन तो हो गए उसे, जब हम आए थे फर्स्ट टाइम, उस टाइम में ब्याने वाले थे, फिर इसके बच्चे हुए 3। 26 तारीख को गई होली की, उस टाइम भी आई थी 26 की रात को 7 बजे भी आई थी। तो उसकी मौत 3 बच्चे हुए। तो वैसे तो मैं अभी जैसे मतलब ये सोच के आया था कि यार उसके बच्चे कहीं दे देंगे, आप जर्मन कुतिया हो और रॉड बिलर से किसी ने क्रॉस करवाई थी, ये तो मेरे वहाँ आ वो तो चलो वो है कि वो छोटो वो ब्रेड क्या है वो उससे मैटर नहीं है, लेकिन ये है कि बच्चे घर पहुँचा दिए, अब सेफ है मतलब। चलो ये सही है, मैं सोच के आया था कि उसको बच्चे कहीं अच्छी फैमिली मिल जाए तो वो कोशिश करेंगे, लेकिन मिस्टर जी बता रहे कि उनका ऑलरेडी शिफ्ट हो गया है, कुछ लोगों ने ले लिया, कुछ इनने अपने घर पे रख लिया है। घर में तो खैर क्या पालेंगे, मैं उसको जरा बड़ा करके यहाँ लाऊंगा। हाँ, मेरे घर में भूटिया है प्योर। फिर यही लाओगे तुम? फिर उसको यही लाऊंगा बड़ा करके। फिर उसके गले में बांटोगे तुम पट्टा कि लेपर्ड भी ना मार पाए? वो वाला कील वाला पट्टा, मतलब बदला लेगा वो माँ का ऐसा है? ऐसा कहाँ होता है, वो तो सूंघ के उसको वैसे ही पता लग जाएगा अगर वो बच्चे समझदार होंगे तो। क्योंकि कुत्ते जब छोटे होते हैं ना, पहले उनको माँ सिखाती है कि कैसे क्या करना है, हमारी बात थोड़ी मानेंगे, हम भी समझाएंगे हल्के हल्के उनको, वो करेंगे। चलो ठीक है, बाकी एक राउंड मार के आते हैं हम भी। तो जी ये है एलेक्सा। तो बिस्टी जी आपको जेड सिक्योरिटी देखनी है एलेक्सा की है, ये देखो मुझे मारो हल्का सा। मारो तो जी एलेक्सा को लेके अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ और देखते हैं अगर कुछ वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिले। अभी अरे नाले के अंदर ले गया बोल रहे हो बाघ के गुलदार। अब लेकिन है भी जंगल ही ना पूरा, क्या ही कर सकते हैं यार, उसके बच्चे हो गए थे, बस ये है कि बच्चे 20 दिन समथिंग के हुए हैं। माँ का ज्यादा प्यार नहीं मिल पाया उन्हें यार, इस बात का दुखी है। अभी है कि बच्चे सही जगह पे हैं तो सलामत रहेंगे, और मैं आज इसी वजह से आया क्योंकि मैंने सोचा कि यार उसके बच्चे जो है ना वो कहीं ना कहीं अडॉप्ट करा दिए जाए, मतलब कि कोई उनको अडॉप्ट कर ले जो कि बेस्ट हो, उनके बच्चे इस जगह से चले जाएं ताकि उनको इन फ्यूचर खतरा ना रहे। तो जी यहाँ पे आ गया प्रतिबंधित क्षेत्र। ओ वाह क्या फ्लावर लगे भाई। और इससे आगे ये एरिया था ना टाइगर टेरिटरी, हमने आपको एक ब्लॉग में बताया भी था और मैंने भी देखा था पर्सनली अपनी आंखों से, बिल्कुल बाघ को क्रॉस करते हुए, टाइगर को क्रॉस करते हुए, उसके पग मार्क भी देखे थे बाद में हमने उसको प्रूफ के तौर पे, और उसके बाद ये गड्ढा भी कर दिया कोई जाए ना करके इस साइड, क्योंकि क्या हुआ ना घोड़े चराने वाले गए थे और टाइगर ने घोड़े को मार दिया था, उसके बाद वहाँ पर ट्रैप कैमरा भी लगाया गया। ओ क्या बात है भाई, देखते हुए चलते कुछ बर्ड्स अगर देखने को मिले। और अभी यार कुछ लोग स्कूटी से अंदर की तरफ गए हैं, पता नहीं आसपास गए वहाँ पे फोटो खिंचाने गए हैं। देखो तो पहले आपको ये दिख रहा है ना कि ये फ्लावर एकदम जैसे घरों पे होते हैं वैसे इस जंगल में कैसे, तो यहाँ पे ना पहले HMT की फैक्ट्री के क्वार्टर हुआ करते थे दोनों साइड पे, तो बाद में जब HMT फैक्ट्री बंद हो गई उसके बाद जो इनके क्वार्टर थे उसको तोड़ दिया गया और ये भूमि वन विभाग को दे दी गई, तो अभी वन विभाग के अंडर में आती है ये भूमि। आपका क्या चल रहा है भाई तब से है?
क्या चल रहा है? लेकिन बहुत खूबसूरत देखो, मतलब ये फ्लावर का जस्ट अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वैसे नाम हमेशा रहता है जवान में। तो ये देखिए अलग अलग कलर के फ्लावर है भाई, आगे मोर पंखी के भी पेड़ हैं। और आप बताना क्या कहते हैं फ्लावर को कमेंट में। और हाँ, मैं बोल रहा था ना कि जैसे कल हमने कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए थे, अगर आप किसी भी ब्लॉग में कुछ क्वेश्चन करते हैं तो हम उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो जो ये एरिया दिख रहा है ना, यहाँ से हमने टाइगर को क्रॉस करते हुए देखा था और इसी एरिया में हमने पगमार्क भी देखे थे, और बाद में तो मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ट्रैप कैमरा में भी आ गया था। अभी आजकल क्या है ना, उस साइड पे रिवर है, पानी रहता है उसमें, तो ज़्यादातर उसी साइड पे टाइगर रह रहा होगा पानी के किनारे। हेलो एलेक्सा, रह रहे भी देखो पहाड़ों की तरफ हम पहुंच गए हैं, और ये ब्रिज पार करते हैं और फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। मौसम है बहुत सही, और जो मैं बोल रहा था ना रिवर के किनारे टाइगर बैठते हैं, तो यही पानी जा रहा है, तो इसके आगे राइट में कहीं पे होगा उसका एरिया। तो जी यहाँ पे एकांत में एक दुकान है, यहाँ चलते हैं और इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आंटी जी नमस्कार, आप ही हैं यहाँ? आप है? नहीं बैठती हूँ भैया। क्यों? नहीं नहीं ऐसे कुछ है, चाय वगैरह क्या है? हाँ हाँ चाय मिल जाएगी, चाय कर देना बिना। ये काटती इतनी बिल्ली है? ना ना नहीं काटती, चाय है, आलू गुटके बनाए हैं। अच्छा आलू के गुटके खिला दो फिर। रात को तो कोई नहीं रुकता होगा यहाँ? हम तो 4:30-7 बजे चले जाते बेटा। अच्छा घर कहाँ हुआ आपका? सामने अकेले हो आप? हाँ गाड़ी तो साइड कर लेते हैं। साइड ही है वो? ना ना अभी कोई आ गया तो बहुत तो जगह गाड़ी क्रॉस हो जाएगी। मेरा डॉग है एक गाड़ी में। अच्छा कुछ भी है नहीं है? अच्छा बस मैं जाऊँ तो घर ही आ जाएगी, यहाँ आऊँगी तो यहीं आ जाती है। तो यहाँ पे तो रात को गुलदार उलदार भी बहुत घूमता है। हाँ, कभी कभी दिख जाता है जी। बाग वगैरह भी आता है आपके घर साइड भी है? आपके घरों में आते हैं? एक बार आ गया तो मेरे पति को पकड़ लिया था। पति को पकड़ लिया था? पीछे से पंजा मार दिया था ना। अरे ऐसे बैठे थे ना, वो जाड़ों के दिन थे। हाँ आग लगा रहे थे बगीचे में। हाँ वो पीछे से आया तो उसने मारा झपका पीछे से, पीछे को खींच दिया। अच्छा। वो तो अच्छा हुआ उन्होंने जैकेट भी पहनी थी, बनियान पहनी थी ना। कब की बात होगी ये? मतलब हो गई 3-4 साल की बात। अभी सही है? अभी सही सलामत है? हाँ खाली पंजा मारा फिर मतलब यहाँ नहीं लगी ना क्रॉस, खाली वही उनकी वही जैकेट फटी और अंदर से जो बनियान थी ना वो फटी उनकी। ओहो पंजा लग गया था ना। घर पे ही आ गया था? हाँ घर के सामने बगीचे में, उस टाइम में बहुत ही हो रहा था ना। डॉग भी रखते थे आप? डॉग रखते थे? अरे वो तो हमारा डॉग तो ऐसे ही है। अच्छा उसके चक्कर में ना आया हो ना? हाँ, वो मेरे पति अच्छा नहीं मानते है ना उसको। अच्छा ये लड़का भी हो पति भी अच्छा, हम तो अच्छा मानते हैं। मेरे पति और वो चढ़ते हैं कुत्तों को देख कर। अच्छा तो ये है जी जो ये विलेज। अच्छा यहीं से नीचे नीचे वाला घर होगा, और ये भी मतलब बहुत सही है, यहाँ नाइट ट्रिप के लिए हम अक्सर आते रहते हैं। जो हिमालयन सिराव दिखाया था ना आपको, इसी रोड में थोड़ा सा आगे था वो, और यहाँ गुलदार वगैरह भी अक्सर देखे जाते हैं। मुझे तो नहीं दिखा, जो अपने साथ सुबह में है उसने रिकॉर्ड किया है, एक वीडियो में दिखाया था हमने वो। और बाकी ये देखो जी यहाँ का विलेज, और ये है एलेक्सा। हाँ जी आपको तो बाहर ला नहीं सकते, बाहर बिल्ली है, आप लड़ोगे।
तो नीचे खेती भी करते होगे आप लोग? हाँ, खेती है, जानवर है। अच्छा, खेती काय की है? खेती वही है, गेहूं बोते हैं, लहसुन प्याज बोते हैं। और जानवर गाय भैंस? हाँ, गोबर भी तो चाहिए। एक बार कुछ टाइम पहले भी लमजाला में अटैक किया था ना, कितने साल? हाँ, आप वही की तो है, हमारी वही की है ना कोई। अच्छा, महिला पे मारा था ना? हाँ, वो हमारे वही की थी। अच्छा, दिया। कितना टाइम हो गया होगा? औरों को भी मारा था? हाँ, लेकिन वो उसने लगे मारे बताया नहीं। दो एक और थी ना उसके साथ ही, पहले उसको वार करा, उसने हल्का सा पंजा मारा। अच्छा, तो उसने डर के मारे उसने बताया ही नहीं। ओहो, हाँ, मुझे डांट पड़ जाएगी करके। नहीं, जो महिला को मारा था उसके अलावा भी औरों को मारा था? उन्हीं को मारा था। तो जी, ऐसे यहाँ आसपास के एरिया में मतलब कि वाइल्ड लाइफ के हमले होते रहते हैं, लेकिन कई बार लोग अपने आप तक सीमित भी रखते हैं। और अभी जो आगे का व्यू है ना, वो ऑसम है। लेकिन यार, ये देखो यहाँ पे वाइल्ड फायर, ये बहुत बड़ा एक संकट है। तो जी, ये है कुछ यहाँ का सेटअप। और यहाँ पे जस्ट आलू अभी गर्म होके आएंगे, तो रोज कुछ ना कुछ नया है। बस, हाँ, वैसे तो मैं खाना भी बना देती हूँ। अच्छा, कोई ऑर्डर आके दे तो? हाँ, ऑर्डर देते हैं, लेकिन बना देती हूँ। दाल चावल बनाती हूँ, और ये तो इसको कहते हैं जी आलू के गुटके। तो पहाड़ में आपको हर जगह ये मिल जाएंगे, खासकर कुमाऊं में आलू के गुटके, साथ में भांग की चटनी है। चटनी तो बनाई है? नहीं, अभी तो खैर चटनी नहीं बनाई है मैंने। नई नई दुकान है ना, मेरे कुछ इंतजाम मेरा हो नहीं पा रहा। अच्छा अच्छा, कॉलेज वाला। ये देखो आंटी जी की बिल्ली, क्या नाम रखा है इसका? इसका नाम है ड्राउनी। ब्राउनी? ड्राउनी, हाँ। डरावनी या ब्राउनी? ड्राउनी। अरे भाई साहब, डराती है? ए, पंजे मारती है। इसको छूंगा तो पंजे मारेगी। ना ना, ऐसे नहीं मारती, ज्यादा छेड़ोगे तब। आ जा। मेरे तो पूरी दुकान की बारह यही करती है सौदेदारी। अच्छा, जब जाते होगे तो? मैं जाती हूँ तो ये यहाँ बैठी रहती है, और सुबह जब आती हूँ तो ये बैठी भी मिलती है मेरे को। ये तो कुछ खाते जाते नहीं होगी ऐसे? ना ना, बिस्कुट देती हूँ इसको, दूध देती हूँ। मतलब चोरी की आदत नहीं है इसकी? तो जी, अब यहाँ से चलते हैं। तो धन्यवाद आंटी जी, बहुत अच्छे आपके आलू के गुटके हैं। बाकी लोगों से भी बोलूंगा, आपके वहाँ जरूर आए। बोलना सर, बोलना। तो मैम का जो है ना, अरे चलेगा, बढ़िया, बस आपको टिके रहना है। टिके रहना ही कुंजी है मतलब सक्सेस की, सफलता की। तो वो है, हाँ, जो रास्ता है ना, आप ये देख ही रहे हैं पहाड़ का। और नीचे एक जगह आती है काठगोदाम, अगर आप लोग टूरिस्ट हैं तो काठगोदाम से एक नीचे रास्ता आता है लमजाला, पूछ लेना किसी से, या भी पूछना मैगी पॉइंट वाला रूट। तो ब्रिज पड़ेगा, ब्रिज के बाद आपको सीधे आना है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर आने के बाद ये दुकान पड़ेगी, और साथ में सुंदर सा गाँव भी है, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी फिर चलते हैं थोड़ा आगे से, फिर वहाँ से हम वापस हो जाएंगे भाई। तो चलो जी, थोड़ा और आगे से होके आते हैं। और यार, एक गर्मी का टाइम है, और गर्मी का टाइम तभी पसंद नहीं है क्योंकि यार जंगल में बहुत आग लगती है, वाइल्ड फायर। लोग जाते हैं कैंपिंग करने के लिए, लेकिन एक चिंगारी पूरे जंगल को जला डालती है, ऐसा नहीं सोचते हैं कई लोग। तो ये चीज़ सोचना चाहिए यार, जंगल के आसपास ना कभी बीड़ी फेंके, ना कभी सिगरेट फेंके, ना कभी माचिस जलाएं। और यार, इसको मैंने पानी भी पिला दिया है, सब खाना भी खिला दिया, लेकिन तब भी ये पता नहीं हाँ पे जा रही है, क्या कारण है बताइए। यूजुअली घर पे नहीं करती है,
आज ये काफी टाइम के बाद गाड़ी में आई है, तो क्या पता उस वजह से तो नहीं कर रही है। तो जी अब जाते हुए मैं आपको दिखाता हूँ ये विलेज की खूबसूरती। तो अभी यहाँ गेहूं की फसलें कट चुकी है, तो देखो जो एंडिंग होता है ना एकदम ये, वाह। सामने देखो यार कुछ ज्यादा ही आग लग रही है। तो जी अब आज के ब्लॉग को करते हैं क्लोज, और समय है कुछ क्वेश्चंस का जो कमेंट सेक्शन में है। तो गौतम काम्बोज जी ने पूछा कि हाउ कैन आई ज्वाइन यू फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रिप। तो गौतम जी हम रैंडमली कभी कभार जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी इंस्टाग्राम आईडी है वाइल्ड लाइफ डी जोन, तो उसमें भी हम अपडेट डालते हैं जो हमारे कोई ट्रिप अपकमिंग प्लान है। बाकी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, तो साथ में एक ट्रिप बना सकते हैं जब अमेजिंग। तो अभी जस्ट मई जून का ही टाइम बचा है अच्छी वाइल्ड लाइफ करने का, तो अगर आप में से कोई और भी ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन और फेसबुक दीपांगर खुलपे में आप डीएम कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको मेल आईडी वगैरह भी दे रखी है। देखिए जो बेस्ट टाइम है ना अभी चल रहा है वाइल्ड लाइफ टूर का, अप्रैल मई जून। अप्रैल आधा बचा हुआ है, उसके बाद मई है, और जून 15 तक मान के चलिए, उसके बाद बरसात स्टार्ट हो जाती है। तो जितनी वाइल्ड लाइफ करनी है अभी करते हैं साथ में, है ना। और बाकी हैप्पी गर्ल, हैप्पी गर्ल ने बोला है कि आपने पंजाब का नाम नहीं लिया। देखिए पंजाब है दिल पे, तो सारी स्टेट हमारे दिल से ही है टच, तो ऐसा नहीं है मैंने किसी स्टेट का नाम लिया, दो तीन स्टेट का नाम लिया था रैंडम। तो सभी स्टेट से लोग देखते हैं और सभी लोग दिल से जुड़े हुए हैं। और एक और माला भार्गव मैम ने भी बोला था कि व्हाट हैपेंड टू द क्वेश्चंस। तो मैम जो क्वेश्चंस लास्ट वाले ब्लॉग में पूछे गए थे उसका मैंने रिप्लाई दिया। अब जैसे जैसे जो ब्लॉग्स पे क्वेश्चन आएंगे तो हम कोशिश करेंगे दो तीन क्वेश्चंस का रिप्लाई दें ब्लॉग के लास्ट में, ताकि आप लोगों से भी एक कनेक्शन बना रहे। और बाकी हर ब्लॉग के एंड में मैं अपनी तीन फोटोग्राफ्स डालूंगा। अभी बर्ड्स की चल रही है, तो बर्ड्स की मैं तीन फोटो इसके बाद आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं दोबारा, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल। हेलो, अब वो ये नॉर्मली आप अपने बेड पे करेगी आराम। जी अनदर स्टाइल।